कल का वीकेंड का वार बहुत ही ज्यादा डेंजरस इसीलिए था क्योंकि ऐसा कुछ हुआ जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। सुंबल के पापा पहले हफ्ते के गुजरने के बाद ही घर के अंदर आए बेसिकली मी टीवी के जरिए और उन्होंने सुंबल को सारा गेम समझाया कि कौन उनके साथ खेल रहा है और कौन उनके अगेंस्ट रिश्ते बना रहा है। लेकिन इसके बाद अब ऐसा लगता है कि ये पूरा वीकेंड शालीन और टीना पर ही डिपेंड होने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली शालीन पर होने वाला है। देखिए क्यों, शालीन जो है उन्होंने ही उनके वजह से ही ये लव एंगल शुरू हुआ बेसिकली टीना की वजह से। सो टीना और शालीन को उस बात की डांट तो पड़ी ही लेकिन उसके साथ साथ अब आज बवाल मचने वाला है। जी हाँ, आज के वीकेंड कवार पर सलमान खान लिटरली इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो स्टेज पर ही उन्होंने अपना कोट वोट उतार दिया और यहाँ तक कि शालीन को ये भी कह दिया कि मुझे टी शर्ट अपनी मुझे शर्ट अपनी उतारने में मजबूर मत कर क्योंकि मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है तेरे पे। चलिए आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं लेकिन उसके पहले वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, दिस इज ज्योति नाहक। चलिए आपको पहले प्रोमो दिखाते हैं। शालीन, आप खुद को डेढ़ समझ रहे हो। आई थिंक इट्स रियली शेमफुल, यू आर नॉट एट ऑल क्वालिफाइड। आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ तक के पढ़े हो? पेशों के लिए आपके दिल में कोई इज्जत है? यहाँ पर आप कोई वीआईपी नहीं हो। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँगा, झट निकालने में मजबूर मत करो आपको। तो शालीन जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ चुकी है सलमान से, ये तो आपने देख ही लिया। और सलमान ने ये तक कह दिया कि मुझे जो है शर्ट निकालने पे मजबूर मत कर मेरे भाई क्योंकि गुस्सा तो मुझे बहुत दिला रहा है। शालीन ने डॉक्टर के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया, इनफैक्ट जब आप घर के लोगों को कह रहे हो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, बट बाहर से कोई डॉक्टर आया है वो भी टीम का डॉक्टर और आप उसको ये बात कह रहे हैं कि आर यू क्वालिफाइड इनफ टू ट्रीट मी, क्या तुम इतनी तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन है, कहाँ तक पढ़े हो, क्या पढ़े हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप इस तरह की बातें अगर डॉक्टर को कर रहे हैं तो फिर आपसे तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है। सो ऐसे में बिग बॉस ने इस बात का पूरा जो है यू नो जिम्मा अपने हाथ पर लिया कि शालीन क्या कल ठिकाने लगानी है। मैंने आपको आई थिंक वेडनेसडे को ही बता दिया था कि ऐसा होने वाला है और शालीन की वाट बिग बॉस लगाएंगे। देखिए मेन एपिसोड अगर आप देखें तो उसमें शालीन का ये इंसिडेंट तो नहीं था लेकिन हाँ बिग बॉस ने इस इंसिडेंट को लेट गो नहीं होने दिया। शालीन को लेकर जो बैकलैश सोशल मीडिया पर निकला है उसको बिग बॉस ने पूरी तरह से ध्यान में रखा और फिर सलमान खान जो है वो वाट लगाएंगे आज शालीन की। इनफैक्ट इतना ज्यादा गुस्सा होंगे सलमान की वो अपना कोट वोट भी उतार देंगे जो कि मैंने आपको दिखाया प्रोमो में। सो अब आपकी बारी है, आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपके हिसाब से शालीन ने वो सिर्फ एक एटीट्यूड वाले वे में कहा था, क्योंकि कई बार क्या होता है एटीट्यूड जताने के लिए अपना रुतबा बनाने के लिए लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं भले ही उनका नेचर वैसा ना हो। शालीन काफ़ी हद तक वैसे भी फेक कर ही रहे हैं घर के अंदर। सो अब आप बताइए कि आपके हिसाब से शालीन का वो रियल नेचर था या सिर्फ वो एक्टिंग कर रहे थे रूड बनने की।